कभी कभी हमारे कुंडली के जो ग्रह हैं वो अच्छा फल नहीं दे रहे होते हैं। हमारे जो कुंडली में ग्रह हैं वो कोई ना कोई ग्रह में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम चलती है कि हम किसी न किसी मुसीबत में हमेशा फंसे ही रहते हैं। अच्छा, हमें उनका फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं। क्या कीजिएगा कि सोमवार के दिन से शुरू कीजिए। 7 सोमवार करना है। कच्चा दूध आपको तैयार रखना पड़ेगा। एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध डालकर, देखिए लोटा बुध का प्रतीक होता है, स्टील शनि का प्रतीक होगा और उसके अंदर जो दूध है वो चंद्रमा का प्रतीक होगा। तो एक स्टील के लोटे में कच्चा दूध डालकर 7 सोमवार लगातार शिवलिंग पर चढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये बात बताई है कि जब भी आप शिवलिंग पर कुछ चढ़ाते हैं तो ऊपर से स्वच्छ जल, साफ पानी जरूर चढ़ा दीजिए। तो पहले वो कच्चा दूध चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके ग्रहों को अनुकूल कर दें, जो प्रतिकूल हो रहे हैं, आपको सही फल नहीं दे रहे हैं। शिव जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके ग्रहों को आपके अनुकूल कर दें और फिर उसके बाद में आपको शिवलिंग पर साफ पानी, स्वच्छ जल चढ़ाना है। शिवलिंग पर कभी भी कोई भी चीज़ चढ़ी हुई मत छोड़िए, उसके बाद उस पर स्वच्छ जल चढ़ाइए। और जिस स्थान पे आप खड़े हैं तो अपने राइट साइड से फेरी दे लीजिए। शिवलिंग की फेरी कभी मत दिया कीजिए। शिवलिंग की यदि फेरी दी जाती है तो आधी फेरी दी जाती है, क्योंकि शिवलिंग पर जो भी हम जल, पानी, शहद, चीनी जो भी चढ़ाते हैं वो निकल कर जाता है, और हम यदि पूरी फेरी देते हैं तो हम उसके ऊपर से जाते हैं, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होता है, हमें दोष लगता है। तो इसलिए दोष से बचने के लिए यदि आपको शिवलिंग की फेरी देनी है तो आधी फेरी दीजिए, और नहीं तो अपने ही स्थान पर खड़े खड़े आपके राइट हैंड साइड की तरफ से गोल घूम जाइए। जितनी फेरी देना चाहिए दीजिए। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नारायण नारायण।